वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग यूपी आरटीओयू बीएड या बीएड स्पेशल का फॉर्म तो जरूर ही भर दिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ना तो आपको इसकी कट ऑफ पता है, ना तो आपको इसकी रैंक पता है, किस तरीके से क्या आती है, किस तरीके के कितने मार्क्स आपको लाने होंगे जिससे आपकी रैंक बन जाए। क्योंकि अभी आपके पास अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखें 2 महीने से कुछ कम समय बचा हुआ है, तो अगर आप उसको एक फोकस होकर, ठीक है, चाहे आप प्राइमरी में टीचर हों, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी में हो, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो वही रीजनिंग आती, वही सारी चीज़ें, लेकिन किस तरीके से टारगेट करें कि आपका एक अच्छा स्कोर बन सके और आपकी रैंक आ जाए। बने रहिए वीडियो में, पूरा समझते हैं चीज़ों को। देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल से जुड़ जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूपी का इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा चैनल और सबसे सटीक जानकारी देने वाला चैनल आपको मिल चुका है अभी, अगर आप पहली बार आए, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ नहीं परचेज की, चाहे वो जीके की पीडीएफ हो 80 मार्क जिसमें आपका कवर होता है, चाहे आपकी बीएड स्पेशल की हो, चाहे नॉर्मल बीएड वालों की टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, चाहे दिव्यांग बच्चों या वो वाले प्रश्न हो, तो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे मात्र 375 रुपये में। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी, और कल तक कुछ बहुत चीज़ें अपडेट नहीं हुई वो अपडेट के साथ भी मिल जाएंगी। पुराने बच्चे भी धैर्य रख के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटेंट का वादा है तो वो आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर नहीं है, टीम मेंबर का है, आप जब उनसे कहेंगे तो रेफरेंस पर मुझसे बात हो जाएगी, अगर आपकी समस्या बड़ी होगी तो। ठीक, आप समझ गए, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, कट ऑफ कितनी जाती, देखिएगा मेरा जब सिलेक्शन हुआ या पिछली बार जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, पूरा एनालिसिस मेरे पास है, 159 मार्क्स मेरे आते हैं और 21 रैंक आती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे ये मतलब मार्क्स, आप सोच रहे होंगे क्या 120 तक सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है, इतना ज़्यादा 130 मार्क्स के ऊपर इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता, आप देखेंगे एक एक नंबर पर बहुत सीटें उतार चढ़ाव हो जाती। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे 159 मार्क्स थे, ऐसे कम से कम 7 लोगों के 159 मार्क्स थे, 14 रैंक वालों के भी 159 मार्क्स थे और मेरे भी 159 मार्क्स थे। फिर उसमें ये देखा जाता कि रैंक किस हिसाब से दें, ठीक है, मान लीजिए 2 लोग ओवरलैप कर गए तो उसमें पहला बेटा नंबर होता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है, नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, एज के हिसाब से, एज के हिसाब से देखा जाता है कि जिसकी एज ज़्यादा होती उसको प्रेफरेंस दी जाती, उसको रैंक दी जाएगी, ठीक, समझ गए। मान लीजिए 2 लोगों के 140-40 नंबर आ गए, एक की रैंक आ रही 424, एक की 425। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो एक की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो गया। अगर सपोज दैट डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो फिर अल्फ़ाबेट का मानक देखा जाता है कि अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है, ये सारे नियम होते हैं और ये हर भर्ती में लगते हैं, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो लगभग आप अगर टारगेट करें, जनरल कैंडिडेट हैं, 140 प्लस स्कोर आपको हर हाल में करना है, और जनरल EWS और OBC बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, हाँ SC में अंतर रहता है, मैं ये बोलता हूँ SC और ST में, ST तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर हम बात करें जनरल OBC और EWS तो आपको हर हाल में 140 प्लस करने होंगे। बाद बाकी अगर आप 150 प्लस ले जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, एक बहुत अच्छा स्कोर है आपका ये 200 में से। आप टारगेट आप देखिएगा, अल्टीमेट करिएगा कि आपको एक अच्छा स्कोर करना। अब स्कोर को ब्रेक करते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप सिंपल सा है, जो पार्ट वन है आपको इसमें कम से कम 75 के आसपास आपको बेटा नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि उसमें एक रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, देन आपकी GK है ना, तो इन दोनों को कवर करते हुए आपको 75 मार्क्स लाने होंगे। और उधर जो 40 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या दिव्यांग है उसमें आपको 35 34 32 नंबर तक लाने होंगे, बहुत इजी आती, बस आपको उसको समझना होगा और हमारा जो सिलेबस है जो हमने PDFs आपको प्रोवाइड कराई उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना चालू हो जाएगा, किस तरीके से क्या क्वेश्चन आते और उस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज में, अब आप अगर देखेंगे 75 और 35 अगर आप देखें, ठीक है, तो आपके 110 मार्क्स यहां पर हो जाते हैं, ठीक है, इस बात को अगर आप समझे तो 120 मार्क्स आपके हो जाते हैं, सॉरी 120 नहीं, 7 3 10 5 5 10, ठीक, 110
110 मार्क्स आपके हो जाते हैं इस तरीके से। अब आपको कितने मार्क्स चाहिए वो आपको वहाँ सब्जेक्ट से ही लाने होंगे। 30-30 मार्क हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपको 25 लाने होंगे, किसी में 20 लाने होंगे, तो 45 हो जाएंगे, तो 150 ऐसे आप पहुंच पाओगे। अगर आप इधर अगर आप पार्ट वन में ही और अच्छे ले आए, जैसे मेरे 79 थे तो एक अच्छा स्कोर था, जो रैंक फर्स्ट था उसके 83 मार्क्स थे। अब आप समझिएगा, तो जीके बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और CDP, तीन चीज़ें, CDP या टीचिंग एप्टीट्यूड या दिव्यांग वाला। तो आप देखिएगा, 80 मार्क्स की आपकी जीके होगी 50 मार्क्स की पार्ट वन में, 30 मार्क्स की आपकी उधर एज ए सब्जेक्ट, तो 80 का ये हो गया, 50 की आपकी रीजनिंग होगी, 8, 5, 13, 130 का सिलेबस कवर हो गया, और उसके बाद 40 मार्क की टीचिंग एप्टीट्यूड या दिव्यांग जो बीएड स्पेशल में आ रहा, तो 170 नंबर का बेटा कवर हो जाता है। अब बचती है हिंदी, हिंदी ही ले लो, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इतनी तो यार तुम कर ही लोगे, किस तरीके से करना है तो उस तरीके से स्कोर टारगेट करो, आसानी से स्कोर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप लोग इंग्लिश भी ले सकते हैं, मैंने इंग्लिश ही ली थी, इंग्लिश भी इजी ही आती, कोई कठिन नहीं आती, तो आप जीके की जगह आप इंग्लिश ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बोरर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जाओ तुरंत व्हाट्सअप नंबर उठाओ या टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, वहाँ पर भी PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।